कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए समाज को लड़वाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेसी नेता रामप्रकाश डूडी के बयान के बाद मीना और मीना के विवाद को कुछ नेताओं ने हवा दी, जिससे एक ही समाज के लोगों को दो भागों में बांटने का कुचक्र शुरू हो गया। ये कहना है अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण मंच के अध्यक्ष प्रकाश मीणा का। मीणा सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में अपने समाज के लोगों के साथ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए थे। प्रकाश मीणा ने संविधान और गजट नोटिफिकेशन में उल्लेखित अधिनियम के बारे में बताया। भारत सरकार द्वारा 28 नवंबर 2013 को कांग्रेस की सरकार द्वारा जो शपथ पत्र देकर के और बेवजह बिना बात में एक मुद्दा बना दिया गया मीणा और मीणा का, पानी पानी बाणी बाणी एक ही चीज़ है, मीणा मीणा कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन इस चीज़ को मुद्दा बना दिया गया क्योंकि कुछ नेता है जो फालतू बैठे रहते हैं, उनको जनता को लड़ाने का मौका मिलता है तो कैसे लड़ाए, तो कुछ नेता है जिन्होंने जनता को लड़ाने के लिए ये मौका दिया कि जनता लड़े और सर फुटबल हो और सर फुटबल बनाने के लिए मौका दिया, जबकि गजट नोटिफिकेशन 10 जुलाई 1941 भारत सरकार आज़ादी से पहले मीणा मीणा एक है, 7 जुलाई 1951 गजट नोटिफिकेशन भारत सरकार मीणा मीणा एक है जिसकी कॉपी ये विद्यमान है मेरे पास में, गजट नोटिफिकेशन 1976 मीणा मीणा एक है जिसकी कॉपी है, गजट नोटिफिकेशन 2001 गजट नोटिफिकेशन 2011 सब में मीणा मीणा एक है। फिर ये बेवजह विवाद क्यों, बेवजह विवाद का कारण है नेता, जिन नेताओं ने बेवजह तूल दिया कि मीणा अलग और मीणा अलग, कोई मीणा और मीणा अलग अलग नहीं, मीणा मीणा एक ही है। मीणा और मीणा दोनों एक ही जाति हैं अनुसूचित जाति के अंतर्गत, लेकिन एक वर्तनी और उच्चारण की ग्रामीण मिस्टेक को लेकर के इन्होंने एक आधारहीन चीज़ को एक जो बिना वजह का मुद्दा बना लिया है, जिसके पक्ष में आरक्षण मंच आज आह्वान कर रहा है और अभी तो ज्ञापन दे रहा है, लेकिन अगर सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा तो इसको बहुत ही वृद्ध स्तर पर जो इसका आंदोलन किया जाएगा। वहीं ज्ञापन देने आए मीणा समाज के लोगों द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी करने पर कार्यालय में तैनात सिपाहियों के द्वारा टोकने पर दोनों पक्षों में नोकझोंक शुरू हो गई। प्रकाश मीणा को सिविल लाइन्स थाने के सिपाही मोतीराम ने नारेबाजी के लिए मना किया तो अध्यक्ष प्रकाश मीणा ने सीओ राजेश मीणा के सामने मोतीराम पर कार्रवाई करने और कलेक्ट्रेट से बाहर करने की मांग की है। हमारा ये कहना था कि हम लोग शांतिपूर्वक ज्ञापन देने की तैयारी यहाँ कर रहे थे तो एक कांस्टेबल आया और उन्होंने कहा कि आप गेट के बाहर चले जाइए और यहाँ आचार संहिता लगी हुई है। मैंने उनसे कहा कि आचार संहिता का नियम कानून मैं भी जानता हूँ, कोई पार्टी पॉलिटिक्स के हम नारे नहीं लगा रहे हैं। कुछ लोग हमारे थे तो जिन्होंने केवल मात्र कहा कि मीणा समाज इधर जाओ, वो कोई नारा नहीं होता और कोई बात नहीं इतना कहा, और जिंदाबाजी भी एक आध कह दिया तो उनको नॉलेज नहीं था ऐसे था, तो हमने हालांकि ऐसी कोई नारेबाजी हमने की नहीं है वहाँ बिल्कुल ही, लेकिन वो फिर हमने उसके कहती तुरंत मैंने सबको बंद कर दिया, बंद भी हो गया, उसके बावजूद कह रहा है नहीं आपको अंदर रुकने नहीं दूंगा मैं और आप तो गेट के बाहर ही जाइए आप और यहाँ एक भी नहीं रुकेगा, रुकेगा तो लाठी चार्ज करवाता हूँ, जाप्ता मंगवाता हूँ। बेवजह लाठी चार्ज कैसे करवा दो, बेवजह जाप्ता कैसे मंगवाओ, तो हमने निवेदन किया कि साहब इस तरह बेवजह लाठी चार्ज की जाप्ता मंगवाने की वैसे ना धमकी देते हैं ऐसे कॉन्स्टेबल को जो सभी तरीके से बात नहीं करते, सब नागरिक सभी तरीके से जा रहे हैं उनको इस तरह की बातें करें तो वो अच्छी बात है। ज्ञापन देने ज्ञापन देने के लिए आए, इकट्ठा थे 5000 समूह तो बना के आए, पर यहाँ पे इन्होंने जो है कुछ आम सभा ना की हो बेशक, लेकिन कुछ बोला दिए इन्होंने, पूर्व में सूचना नहीं थी प्रशासन को, इन्होंने एकदम से आए इनको धारा ये इनकी जनभावना संबंधित है, इनकी तत्कालीन समस्या थी, इनके कुछ लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बन रहा था, कुछ लोग इंटरव्यू वगैरह हम जा रहे थे तो इनकी तत्कालीन समस्या को लेकर कलेक्टर साहब को इन्होंने ज्ञापन दिया।